एक कप। इन खानों में जरा सा शोरबे के ऊपर जरा तेल अच्छा लगता है। अगर आपको तेल कम डालना है, लेकिन आप इस घर में अगर सास हैं या माँ हैं जिनको तेल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों को लहलाता तेल अच्छा लगता है सालन के ऊपर, तो परेशान नहीं हो, कम तेल डालो, एक बर्फ़ का क्यूब डाल दो निकालने से पहले 2 मिनट के लिए, तेल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अम्मा भी खुश, सास भी। बर्फ़ का क्यूब खाने में, बर्फ़ का क्यूब गर्म सालन में डाल दो, तेल ऊपर आ जाए। और बर्फ़ का क्यूब देखो कितने काम में आता है, एक तो ये काम आ गया, एक चाय गिरे अगर कालीन पे, कपड़ों पे, चीज़ों पे, तो आपने फौरन नमक डाला और बर्फ़ का क्यूब मला, धब्बा पे धो लें, ख़त्म। कालीन में जैसे हम भारी भारी चीज़ें रखते हैं और कालीन के गड्ढे पड़ जाते हैं, वहाँ आप सोफ़ा हटा के, पाया हटा के बर्फ़ का क्यूब रखें, कालीन पड़क सानी ऊपर ना करें। हाँ ये सही है, कितने आप टेबल हैवी रख देते हैं, कारपेट के ऊपर जो गद्दे न्यू होते हैं, इवन उसमें अंदर लेके ना जितने मोटे होते हैं ना पड़े। सबसे अच्छी चीज़ है आपने छोटा छोटा कालीन का टुकड़ा पायों के नीचे रख लें कटा हुआ, उससे फिर गड्ढे नहीं पड़ते। लेकिन अगर पड़ गए, मेज़ हटाएं, बर्फ़ का क्यूब रखें, कालीन ऐसे पड़क सानी ऊपर आ जाता है, आवाज़ से पड़क। वाह, बड़ी अच्छी टिप बताई है आपने, तो इतनी सारी टिप्स हो गई। क्यूब, आइस क्यूब, कितना कारामद है।